स्ट्रक्ट टाइप और स्ट्रक्ट फील्ड क्या होता है स्काला में, उसके बारे में जानेंगे। तो मैं क्रिएट नोटबुक कर देता हूँ, स्कीमा किसे क्या क्रिएट करते हैं वो ही जानते हैं। टाइप एंड स्ट्रक्ट फील्ड स्काला चूज कर देते हैं, और इसको मैं यहाँ पे पहले मैं कुछ टाइप कर देता हूँ ऐसे ही ताकि क्लस्टर रनिंग में रहे, और इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, यहीं पे टाइप करते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे कर दूंगा, पहले इम्पोर्ट कर दूंगा, इम्पोर्ट org.apache.spark.sql.spark session, अट गया होगा, हमको अट गया, इम्पोर्ट हम नहीं दिखा रहा है, इम्पोर्ट org.apache.spark.sql.types. यहाँ पे पहले तो स्ट्रक्ट टाइप करो, स्ट्रक्ट फील्ड करो, स्ट्रिंग टाइप करो, फ्लोट टाइप करो, को तो हटा यार दिख नहीं रहा है, और इसको इंटीजर टाइप करो। सारे को मैं इंपोर्ट कर दिया, अब मैं स्पार्क को क्रिएट करूंगा। किस तरह से स्पार्क क्रिएट करते हैं अगर बताऊं थोड़ा सा मैं, वाल स्पार्क इक्वल टू स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर डॉट एप नेम मीट डॉट गेट और क्रिएट वाल स्कीमा क्रिएट करेंगे। भाई स्कीमा किस तरह से क्रिएट होता है अगर स्कीमा बता दूं आपको, देखते देखो तो टाइप करते हैं, क्रिएट कर रहा हूँ एक मैं यहाँ पे। पहले मैं थोड़ा सा एक डेटा दिखा देता हूँ, क्या डेटा मैं क्रिएट करूंगा अगर बताऊँ, वाल डेटा करूंगा यहाँ पे। किस तरह से करते हैं कमेंट करो, कहा से करेंगे। सिक्वेंस एरे भी ले सकते हो यार, सीधे 1, मीट कर दिया, और इसकी सैलरी जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी सैलरी 34,000 कर दिया, कुछ भी 34,000 ऐड करना शेयर करता हूँ, इसका नाम अमनदीप कर देता हूँ, इसकी सैलरी जैसे मतलब 40,000, ये हो गया अमनदीप और इसकी सैलरी। अब मैं यहाँ पे स्ट्रक्ट टाइप और स्ट्रक्ट फील्ड में जरा से मैं डिक्लेयर करूंगा। स्ट्रक्ट फील्ड जो होता है हमारा, इसमें सबसे पहले हम नेम डालेंगे, यहाँ पे आईडी होगी, ठीक है, और इसका टाइप क्या होगा, इंटीजर टाइप, और नलेबल पैरामीटर होता है, नलेबल को फॉल्स कर देते हैं। दूसरा एक और चीज होती है फील्ड, ये होगा हमारा नेम होगा, ये होगा स्ट्रिंग टाइप, नलेबल फॉल्स कर देते हैं, और आखिरी होगा फील्ड होगा, ये होगा हमारा सैलरी, ये होगा फ्लोट टाइप, और इसको मैंने नलेबल ट्रू कर दिया। पहले ये रन करते हैं, अब डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, वाल डीएफ इक्वल टू आर्क डॉट स्पार्क कॉन्टेक्स्ट डॉट पैरालाइज करूंगा डेटा करूंगा, ये हमारा आरडीडी बनता है मेरे ख्याल से, ये डेटा फ्रेम नहीं बनता, आरडीडी बनता, बट नामकरण में क्या फर्क पड़ता है, डीएफ भी कर सकते हो टोटली, बट डीएफ डेटा फ्रेम के लिए होता है, मैं डीएफ करूंगा, और स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम फॉर्म डीडी कॉमा स्कीमा। एक बार डिस्प्ले डीएफ कर देते हैं, एक मिनट को डेटा से क्रिएट करते हैं, अगर एक मिनट को इससे करते हैं यार, वो आरडीडी से कुछ गड़बड़ कर रहा था पिछली बार भी। अब क्रिएट डेटा फ्रेम के पास ऑप्शन ही नहीं है यार। सिक्वेंस में यहाँ पे किया वन किया, तो मैं रो क्रिएट करूंगा, को भी रो क्रिएट करूंगा, मैं रन करूंगा, स्ट्रक्ट फील्ड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ओवरलोड क्या दिक्कत कर रहा है यहाँ पे, कि डेटा फ्रेम ऐसे ही होता है, डेटा करूंगा और स्कीमा डालूंगा मैं, एक मिनट को इंटीजर टाइप ही करते हैं इसको, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था स्काला और पाइथन में, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो स्कीमा मैंने यहाँ पे कर दिया स्ट्रक्ट टाइप, एरे पे रिकलेक्ट किया, रो किया, इसके बाद देखना स्कार्ट डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम, इसके अंदर जो ये है ना, इसको हम लोग आरडीडी कन्वर्ट करना है, ये डेटा को स्पार्क कंटेक्स्ट डॉट पैराडाइज डेटा फ्रेम और स्कीमा कर देंगे, ठीक है। अगर मैं इसी को इस हिसाब से करूं, तो मैंने यहाँ पे इसको एरे टाइप सीक्वेंस किया, क्रिएट डेटा फ्रेम करेंगे, इसको मैं आरडीडी करूंगा, पहले तो आरडीडी किस तरह से होगा, स्पार्क कंटेक्स्ट डॉट पैराडाइज डेटा, तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे भी की है, और स्कीमा को स्ट्रक्ट टाइप में अगर देखूं, और डेटा को मैंने रो किया यहाँ पे, एरे किया है मैंने, अगर मैं इतना करूँ चलना चाहिए, ठीक है सब चलना चाहिए, और मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रन करूँ, ओवरलोड में क्या दिक्कत है, स्ट्रक्ट टाइप एरे किया मैंने, आरडीडी क्रिएट किया ना, हाँ सॉरी गाइस डेटा कर रहा हूँ मैं, आरडीडी करना चाहिए ना, सॉरी ये गड़बड़ हुआ है। तो डेटा इस तरह से आ गया हमारा, सिंपल है, आईडी इंटीजर स्ट्रिंग इंटीजर, और ये आ गया। तो डेटा किस तरह से किया, तो आरडीडी स्पार्क डॉट स्पार्क कंटेक्स्ट डॉट पैरालाइज डेटा करोगे, फिर आरडीडी आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे। अब डायरेक्टली नहीं कर सकते तुम, डायरेक्टली तुम ऐसा जैसे बोला तुम डायरेक्टली स्पार्क डायरेक्टली तुम नहीं कर सकते, तुमको आरडीडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर तुम कर सको यहाँ पे। अगर मैं यही चीज मैं आपको पाइस्पार्क में दिखा दूं, पाइस्पार्क में कैसे किया था हम लोगों ने, पाइस्पार्क में भी दिमाग लेना चाहिए ना, पाइस्पार्क भी पूछ सकता है, ठीक है। पाइस्पार्क हम लोगों ने डायरेक्टली स्ट्रक्ट फील करके यहाँ पे डेटा टाइप डाल दिया, फिर डेटा फ्रेम डायरेक्टली कर देंगे यहाँ पे, फिर इसमें आरडीडी में कन्वर्ट किए, फिर हम लोगों ने स्काला में, स्काला पहले गया ना, पहले वो आरडीडी में ही काम करता था, फिर सोचा भाई देखो इससे थोड़ा अच्छा वाला बना देते हैं, डेटा फ्रेम बना लेते हैं, डेटा फ्रेम बन गया तो फिर आरडीडी पे काम करना बंद कर दिया। तो बस थोड़ा बहुत चीजें ना आरडीडी से कन्वर्ट करके, अब मैं अगले यहाँ पे जाता हूँ स्काला वाले में, एक और चीज करनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे स्ट्रक्ट टाइप में, मैं अगर सब डेटा देता हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा नेम का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐसा करना चाहता हूँ, तो वो कैसे करेंगे बताता हूँ। एक मिनट से कॉपी करते हैं और इसको डेटा ऊपर से उठा देते हैं, एक ही बार में रन कर देंगे। यहाँ पे सीक्वेंस है रो है, ठीक है सीक्वेंस क्रिएट कर रहे हैं, रो क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं मीट को मैं एक और सीक्वेंस में क्रिएट करना चाहता हूँ, ओके तो इसमें मैं एक और रो क्रिएट करना चाहता हूँ, इसके अंदर मैं मीट करना चाहता हूँ, साथ में कर देता हूँ, ये ऐसे कर सकता हूँ
साथ में मैं इधर भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे अमनदीप को भी चेंज करके मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ। तो इसका नाम अमनदीप कर देते हैं और इसका अमनदीप अलावत कर देता हूँ। कुछ कुछ याद नहीं आ रहा ना, सब मैं कोई भी नाम डाल दूँ। यहाँ पे इसका डेटा आ गया। चाहिए मुझे इसको स्ट्रिंग टाइप को एक और करना है, देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता। वाल एंड स्कीमा कर देंगे, स्ट्रक्ट टाइप एरे कर देता हूँ और मैं इसको स्ट्रक्ट फील्ड कर दूंगा। की वैल्यू में पहला तो होगा फर्स्ट नेम, नाम कर दिया। दूसरा हमारा पैरामीटर होगा स्ट्रिंग टाइप। तीसरा होगा नलेबल इक्वल टू फॉल्स। दूसरा स्ट्रक्ट फील्ड होगा, इसको मैं लास्ट नेम कर देता हूँ, स्ट्रिंग टाइप कर दूंगा, नलेबल इक्वल टू फॉल्स कर दूंगा। आई होप चलेगा ये, ठीक है करना चाहिए। और स्क्रीन टाइप की जगह पे एन स्कीमा कर दूंगा और मैं पैरालाइज डेटा कि शायद ये चल जाए, ठीक है। तो देखते हैं, कुछ गड़बड़ हो सकता है, कुछ गड़बड़ नहीं भी हो सकता है। स्पार्क जो चल गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट नेम यहाँ पे देखो मीत और उड्डा, ठीक है, इस तरह से डेटा आ गया। और फर्स्ट नेम यहाँ पे और लास्ट नेम यहाँ पे आ गया अमनदीप, लास्ट नेम अलावा, सरडी आ गया, ये आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने स्ट्रक्ट फील्ड को भी देख लिया गाइस यार। तो ये चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रक्ट टाइप और स्ट्रक्ट फील्ड भी देख लिया हम लोगों ने। जैसे कि हम लोगों ने, अगर मैं थोड़ा सा अगर रिवाइज करूँ, रो स्पार्क सेशन ले लिया हम लोगों ने, डेटा किया, सीक्वेंस किया, रो क्रिएट किया अंदर, ठीक है, सीक्वेंस के अंदर रो। पहले डायरेक्टली हम लोग कैसे करते थे, रो नहीं डालते थे, अब मैं रो भी डालता हूँ, ठीक है, रो डालना पड़ेगा, ठीक है, रो डालोगे। और यहाँ पे फिर स्ट्रक्ट टाइप डाला, उसमें फिर एरे डाला, और यहाँ पे एरे के जगह पे सीक्वेंस भी कर सकते हो, बट मैंने एरे डाल के दिया, लिस्ट भी कर सकते हो, थोड़ी डिपेंड्स अपॉन यू। एरे लिस्ट सीक्वेंस क्या क्या होता है सब कुछ मैंने कवर किया, स्काला 2 और स्काला 3 भी जाकर चेकआउट कर सकते हो वीडियो को। स्ट्रक्ट यहाँ पे ये स्ट्रक्ट टाइप करके कर दिया, फिर इसका स्पार्क डॉट स्पार्क कंटेस्ट डॉट पैराडाइज किया, डेटा क्रिएट, डेटा फ्रेम कर दिया, आरडीडी और स्कीमा डाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से, और अगर सब करना है तो सब वाला को भी यहाँ पे भी एक और कर दूंगा, सबके अंदर सब भी जितना करना है तो कर सकते हो। नेस्टेड वाला यहाँ पे मैंने कर दिया, इसका चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है, 22 स्पार्क वाला। वीडियो को एंड करते हैं, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्ट्रक्ट टाइप ऐसे कर दिया था, स्ट्रक्ट फील करके डेटा टाइप करके कुल्लू करके डायरेक्टली कर दिया, वहाँ पे नेम की जगह पे डायरेक्टली कर दिया। और मैं यहाँ पे और कुछ नहीं करा, डेटा स्कीमा के डेटा फ्रेम किया, उसमें वो सिक्वेंस रो पर करा था, डायरेक्टली यहाँ पे टपल क्रिएट करके ऐसे कर दिया। यहाँ पे इतना हो गया, मिथ अमनदीप करके ये हो गया, ठीक है, सबके लिए यहाँ पे ऐसे किया। बाकी अगले वीडियो में मिलता हूँ, वीडियो अच्छा लगा।